हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स में आप डिस्कस करने जा रहे हैं मेटाज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। देखिएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन को, स्ट्रक्चर को और आईपीएससी नेमिंग को यहां पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिएगा, यहाँ पर एरोमेटिक जो वर्ड है वो एरोमा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्लेजेंट स्मेल। तो आप कह सकते हैं बेटा यह एक ग्रीक वर्ड होता है। ग्रीक वर्ड एरोमा मीन्स प्लेजेंट स्मेलिंग। सो एरोमेटिक हाइड्रोजन कार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एरिन्स। जो भी हाइड्रोजन कार्बन एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं उनको क्या कहा गया बेटा? एरिन्स कहा गया है। क्या कहा गया है? एरिन्स। सभी एरिन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। यहां पर देखिएगा, बेंजीन एंड कंपाउंड्स that resemble benzene in their chemical behavior are called as aromatic compounds. Example देखिएगा, आप कह सकते हैं कि benzene और इनके जो other compound होंगे वो benzene से ही resemble हो रहे हैं। या आप कह सकते हैं ऐसे compound जिनमें कम से कम एक benzene ring present हो, तो basically उन compounds को क्या कहा जाता है बेटा? aromatic hydrocarbon कहेंगे आप। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिएगा बेटा, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है आपके, क्लियर, जिसमें 6 कार्बन मेंबर प्रेजेंट होते हैं जो कंप्लीट रिंग में प्रेजेंट हैं, और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। बेंजीन का जो क्रिस्टल है, स्प्लाइस फॉर्म यहां पर शो की गई है कि बेंजीन जो होता बेटा वो सेमी सॉलिड टाइप से लेबोरेटरी में अवेलेबल हो सकता है। नेक्स्ट है आपके नेप्थेलिन। नेप्थेलिन का स्ट्रक्चर हो जाता है ये, जिसमें दो बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। ये देखिएगा, एक बेंजीन रिंग यहां पर प्रेजेंट है और एक बेंजीन रिंग यहां प्रेजेंट है, दोनों रिसेम्बल हैं। कैम्फर देखिएगा, ये आपके क्या है? नेप्थेलिन है। नेक्स्ट आता है आपके एंथ्रेसिन। एंथ्रेसिन का स्ट्रक्चर 3 बेंजीन रिंग रिसेम्बल रहेंगी इसमें, ये इस तरीके से कंपाउंड होता है बेटा। फ्यूरेन, फ्यूरेन का कंपाउंड हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड होता है, जिसमें रिंग में कार्बन के अलावा ऑक्सीजन एटम जो हेट्रो एटम होता है प्रेजेंट होता है, बट ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है फ्यूरेन। नेक्स्ट आता है आपके थियोफिन। थियोफिन में ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है बेटा, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये डिफरेंट कलर्स में प्रेजेंट होता है, या कलर के फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट कलर कंपाउंड ये फॉर्म करता है। कैफीन जो कॉफी में प्रेजेंट होती है, कैफी सीड्स जो होती हैं, ये देखिएगा कैफीन कॉफी के सीड्स हैं ये। मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट एक पेन रिलीविंग ऑन्टमेंट्स होता है बेटा, ये देखिएगा, जैसे आपने बाम वगैरह देखा होगा, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ था सबसे पहले 1865 में, जर्मन साइंटिस्ट जो आपके केमिस्ट रहे हैं फ्रेडरिच ऑगस्ट कैकुले, कैकुले ने बेंजीन के स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था कि जो रियल में सराउंडिंग सराउंडिंग या यूं कहें कि एक 6 मेंबर रिंग जो होगी इस टाइप से, ये देखिएगा कंप्लीट, जिसमें 6 कार्बन मेंबर रिंग इसको बोला जा सकता है, और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जो परफेक्ट बेंजीन स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले 1865 में जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिच ऑगस्ट कैकुले ने प्रपोज की थी बेटा। द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कंसिस्ट ऑफ ए साइक्लिक स्ट्रक्चर विथ 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स विच इज सिस्टमेटिकली कॉल्ड 1,3,5 साइक्लोहेक्सा ट्राइन। All the carbons in benzene are sp2 hybridized. सारे के सारे कार्बन एटम जो होते हैं वो sp2 hybridized होंगे बेटा, और ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करता है। इसमें देखिएगा, पहले ये वाले जो डबल बॉन्ड थे वो यहां पर हैं, अब यहां पर
माइग्रेट कर जाते हैं। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से ये सराउंडेड सर्कल में, या यूं कहें अपन कि इनमें कॉन्जुगेशन हो रहा होता है। नेक्स्ट, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाता है। क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, देखिएगा क्या क्राइटेरिया है कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड को डिफाइन किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस प्रेजेंट होनी चाहिए वो आपको ध्यान होना चाहिए। देखिएगा क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, फर्स्ट साइक्लिक, सेकेंड प्लेनर, ऑल एटम्स शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब प्लेनर कब होगा, जब साइक्लिक रिंग में कंप्लीट हाइड्रोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। नेक्स्ट, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अकल्स रूल फॉलो करना चाहिए, इसका मतलब आप कह सकते हैं बेटा कंपाउंड्स मस्ट कंटेन 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स। अकल रूल क्या है, 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए साइक्लिक रिंग में। और n यहां पे क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc। देखिएगा बेंजीन की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं यहां पर बेटा साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेनर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, 4n+2π इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखिएगा 4n+2π इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर एक रिंग में 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहां पर n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स, क्या हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ रिंग्स। तो देखिएगा 4 × 1+2 = 6π इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अवेलेबल हो रहे हैं। इसका मतलब बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर। आप कह सकते हैं प्लेनर क्यों है, इसमें सभी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज हैं और ये क्या हो जाएगा बेटा एरोमेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स आप डिस्कस करेंगे इस सेशन में आज। नेक्स्ट देखिएगा पायरोल में आप बता सकते हैं बेटा ये साइक्लिक है। देखिएगा एक रिंग बना रहा है तो ये कंपाउंड क्या हो जाता है, साइक्लिक। प्लेनर है, सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज होंगे और इसमें कंप्लीट क्या है, कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि एच कार्बन एटम अपने बॉन्ड्स का ट्रांसफर इजीली कर सके। जैसे इसमें देखिएगा यहां पर बेंजीन कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा है, ऐसे ही आप कह सकते हैं इसका जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा इस तरीके से। क्लियर। तो कंप्लीट क्या हो रहा है यहां पर बेटा, कॉन्जुगेशन हो रहा है और हकल रूल को फॉलो कर रहा है 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर देखिएगा n रिंग नंबर 1 है तो 4 × 1+2π इलेक्ट्रॉन्स तो हो जाते हैं 6π इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी क्या बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट आप ले रहे हैं साइक्लोब्यूटाडाइन। इसमें देखिएगा साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेनर है, चारों जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज हैं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है। देखिएगा यहां से यहां और यहां से यहां पर, और आप कह सकते हैं इसमें 4n+2π इलेक्ट्रॉन आर नॉट प्रेजेंट, तो ये नॉन एरोमेटिक, तो हकल रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा। देखिएगा इसमें साइक्लिक कंडीशन अप्लाई हो रही है, प्लेनर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, बट हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये एरोमेटिक नहीं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है। नेक्स्ट 1,3-butadiene में आप कह सकते हैं ये नॉन साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड
बट 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन आर नॉट प्रेजेंट इन 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये भी क्या है बेटा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर। कुछ एमसीक्यूज देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, इनमें आपको चेक करना है कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड होगा बेटा, इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज हकल रूल, 4n plus 1 pi electron, 4n plus 4 pi electron, 4n plus 2 pi electron and none of the above. तो जाएगा third, 4n plus 2 pi electron हकल रूल को refer कर रहा है। Classification of aromatic compounds. अब इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे बेटा aromatic compounds का classification. देखिएगा, classification of aromatic compounds, benzenoids. बेंजिनॉइड्स का मतलब हो जाएगा बेटा, एक और एक से ज्यादा बेंजीन रिंग यहां पर प्रेजेंट हो सकती हैं। तो आप कहेंगे द कंपाउंड्स कंटेन वन और मोर बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, यहां पे जो भी गिवन स्ट्रक्चर होगा उसमें एक और एक से ज्यादा बेंजीन रिंग प्रेजेंट होंगी, उन एरोमेटिक कंपाउंड्स को आप क्या कह सकते हैं बेटा, बेंजिनॉइड्स कह सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल, बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया बेंजल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो गया और बेंजीन कंटेंट है। सेकेंड आता है आपके नॉन बेंजिनॉइड्स, दीज कंपाउंड्स डू नॉट कंटेन एनी बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, ऐसे कंपाउंड जो कोई बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं रखते हैं, या यूं कह सकते हैं कोई बेंजीन रिंग अवेलेबल वहां पर नहीं होती है, बट वो एरोमेटिक सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसलिए उनको एरोमेटिक कंपाउंड कह देते हैं। एग्जांपल देखिएगा, फ्यूरेन, थायोफीन, पायरिडीन। ठीक है बेटा, इन तीनों में बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, ये हेट्रो एटॉमिक एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहां पर ये नॉन बेंजिनॉइड्स होंगे। फिर आप एरोमेटिक और एलिफेटिक में डिफरेंस को चेक करेंगे बेटा यहां पर, तो देखिएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एलिफेटिक कंपाउंड्स कंटेंस हायर परसेंट ऑफ कार्बन, एरोमेटिक कंपाउंड्स में हायर परसेंट ऑफ कार्बन जो होता है वो कितना होता है उसको आप इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा, परसेंट ऑफ कार्बन इन बेंजीन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ कार्बन इन बेंजीन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ बेंजीन। तो आप कह सकते हैं बेटा कि बेंजीन का, बेंजीन में टोटल जो परसेंट होगा कार्बन का, उसके अकॉर्डिंग आप क्या चेक कर सकते हैं, वहां पे कार्बन का परसेंट वैल्यू चेक कर सकते हैं आपके किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में। तो देखिएगा, परसेंट ऑफ कार्बन इन बेंजीन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ कार्बन इन C6H6 बेंजीन हो गया अपॉन टोटल मास ऑफ बेंजीन। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं इन 200, तो हो जाएगा 12 × 6 डिवाइड बाय 12 × 6 प्लस 6 × 1 × 100, 72 डिवाइड बाय 78 × 100 और हो जाता है आपके 0.9230 × 100 आएगा 92.30%। तो परसेंट ऑफ कार्बन इन बेंजीन, बेंजीन में कार्बन का परसेंट 92.30% यहां पर आपको मिल जा रहा है बेटा। तो आप कह सकते हैं कि कंटेंस हायर परसेंट ऑफ कार्बन, एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंट हाई होता है। फिर देखिएगा, कंटेन लोअर परसेंट ऑफ कार्बन, एलिफेटिक का, ये एलिफेटिक कंपाउंड्स में कार्बन का परसेंट वैल्यू जो होता है वो लो होता है। इसका देखिएगा, परसेंट ऑफ कार्बन इन हेक्सेन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ कार्बन इन हेक्सेन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ हेक्सेन इनटू 100, तो आ जाएगा आपके बेटा 12 × 6 डिवाइड बाय 12 × 6 प्लस 14 × 1 × 100
आ रहा है आपके 72 डिवाइड बाय 86 इंटू 100, 83.72%। तो यहाँ पर एलिफेटिक कंपाउंड्स में कार्बन का परसेंट वैल्यू कम मिलता है एरोमेटिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखिएगा, बर्न्स विथ छोटी फ्लेम, ये देखिएगा चारकोल, यहां पर ये जो जब भी जलता है बेटा तो काली धुआं या यूं कह सकते हैं छोटी फ्लेम के साथ ये बर्न होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। और आप कह सकते हैं बर्न्स विथ नॉन छोटी फ्लेम, ये देखिएगा यहां पर साइनी फ्लेम के साथ ये सुनहरी ज्वाला के साथ जलते हैं। साइक्लिक कंपाउंड विथ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो साइक्लिक कंपाउंड होगा उसमें अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एलिफेटिक में ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, प्रीफर्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रीफर करते हैं। बट एल्केन्स ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एल्केन और एल्काइन जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन को प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस मिल जाता है बेटा। एमसीक्यूज देखिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड बर्न विथ सूटी फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम, बोथ ए एंड बी, None of these, तो जाता है फर्स्ट सूटी फ्लेम। नेफ्थलीन बिलोंग टू विच टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजिनोइड्स, नॉन बेंजिनोइड्स, एंटी एरोमेटिक, ऑल द अबव, तो आप कह सकते हैं बेंजिनोइड्स। ऑल द कार्बन एटम इज बेंजीन आर sp3 hybridized, sp2 hybridized, sp hybridized, sp3d hybridized, तो जाएगा sp2 hybridized। बेंजीन कंटेंस 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हकल रूल को फॉलो कर रहा है। नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स पार्ट फर्स्ट, देखिएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए इस वीडियो में आप फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें बेसिक वे होगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स देखिएगा बेटा, मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन, बेंजीन इन विच ओनली वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एल्काइल फंक्शनल ग्रुप। रूल नंबर फर्स्ट, मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन कैन बी नेम्ड बाय प्लेसिंग द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एज प्रीफिक्स टू बेंजीन। बेंजीन पेरेंट कंपाउंड हो गया आपके, सब्स्टिट्यूएंट जो है प्रीफिक्स टू बेंजीन हो गया। देखिएगा जैसे ही हाइड्रोजन, देखिएगा दोबारा, जैसे ही ये हाइड्रोजन यहां से सब्स्टिट्यूट करता है किसी अदर एलिमेंट से तो वो बन जाता है बेटा क्लोरोबेंजीन। तो प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा और पेरेंटल कंपाउंड के नाम को बाद में आप मेंशन कर देते हैं, तो इसका नेम हो जाएगा बेटा क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट नाइट्रोबेंजीन, अगेन ब्रोमोबेंजीन। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप यहां पर मोनो सब्स्टिट्यूएंट को नेमिंग दे सकते हैं। रूल नंबर टू, द नेम ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स आर नोन बाय कॉमन नेम्स विच आर एक्सेप्टेड बाय IUPAC। कुछ कॉमन नेम्स को भी IUPAC अलाउ करता बेटा यहां पर, जैसे OH, इसको आप फिनोल, इसका कॉमन नेम भी फिनोल है और IUPAC नेम भी फिनोल हो सकता है, बोला जाता है इसको। ऐसे ही यहां पर देखिएगा CH3 आ जाए सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में तो इसको टोलुइन कह देते हैं। ऐसे देखिएगा एनिलीन कह देते हैं, NH2 ग्रुप आ जाए सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में तो। ऐसे ही अपन बात करते हैं बेंजोइक एसिड की, तो यहां पर बेंजोइक एसिड आ जाता है। ठीक है, ये देखिएगा आप बेंजोइक एसिड, देखिएगा बेंजोइक एसिड COOH,
बेंजोइक फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आ रहा है यहां पर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा रूल नंबर थ्री, इफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इज लार्जर देन बेंजीन देन बेंजीन बिकम्स सब्स्टिट्यूएंट एंड प्रीफिक्स एज फिनाइल। जब बेंजीन से कोई लार्जर सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है बेटा, और वो प्रीफिक्स हो जाता है फिनाइल। देखिएगा बेंजीन दो पार्ट्स में, इसको आप कह सकते हैं फिनाइल और बेंजाइल, तो ये दो सब्स्टिट्यूट यहां पर मेंशन करवाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, एल्काइल ग्रुप कंटेंस मोर देन सिक्स कार्बन। ये कब होगा बेटा, जब एल्काइल ग्रुप छह कार्बन से ज्यादा प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही लिंक टू फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो जाए तो भी आप उसे क्या कहते हैं, फिनाइल कह देते हैं। फिर बेंजाइल, बेंजाइल आप इस तरीके से कह सकते हैं बेटा कि बेंजीन ग्रुप से, बेंजीन जो रिंग है उससे CH2 ग्रुप जुड़ जाए तो वो बेंजाइल ग्रुप बन जाता है, या आप इसको सिंपली यू भी बोल सकते हैं बेटा कि जैसे टोलुइन है, ये आपके टोलुइन है, टोलुइन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है बेटा, बेंजाइल बन जाता है। क्या हो जाता है, बेंजाइल बन जाता है, ठीक है। एग्जांपल देखिएगा, इस तरीके से कोई कंपाउंड आ रहा है तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये मानी जाएगी। इसमें देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन है, ठीक है। पेरेंटल चेन ऑफ कार्बन हेप्टेन, यहां पर ये वाला जो ग्रुप होगा वो पेरेंटल चेन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देगा, और ये नेम हो जाता है बेटा फिनाइल ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है फिनाइल। तो हो जाएगा बेटा आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे आप लोवेस्ट, तो देखिएगा नेम क्या हो जाएगा यहां पर, 2-phenyl-heptane। क्लियर बेटा, इस तरीके से आपको ये मेंशन कर लेना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यदि किसी बेंजीन रिंग से अटैच है, मोर देन सिक्स कार्बन रिंग, मोर देन सिक्स कार्बन चेन, तो वहां पर फिर बेंजीन रिंग जो है वो फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा यहां पर, अब फंक्शनल ग्रुप आउटर चेन के साथ अवेलेबल है, ये क्या आपके पेरेंटल कार्बन चेन, पेरेंटल कार्बन चेन हो जाता है इसका ब्यूटेन, चार कार्बन है 1, 2, 3, 4, तो इसका नेम हो जाएगा आपके बेटा, नंबरिंग है 1, 2, 3, 4, यहां पे 1-nitro-butane, 3-phenyl और कंप्लीट हो जाता है ब्यूटेन, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा ये फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में जोड़ दिया जाएगा 1-nitro और फिर 3 नंबर पे फिनाइल जुड़ा हुआ है तो 3-phenyl, और इनको देखिएगा बेटा आप कैसे जोड़ेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से, क्लियर। तो हो जाएगा नेम 1-nitro-3-phenyl-butane। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, बेंजाइल फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल प्रेजेंट है इसमें, तो ये अल्कोहल हो गया, इसको आप कह सकते हैं बेंजाइल अल्कोहल, ओके बेटा। पेरेंटल कार्बन प्रोपेन हो जाता है और नंबरिंग हो जाएगी क्लोरीन से 1, 2, 3 और 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, फिनाइल, तो 1-chloro-3-phenyl-propane। क्लियर बेटा, इस तरीके से आप बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं बेटा। एमसीक्यूज देखिएगा, द आईपीएससी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इसका नेम बताना है आपको बेटा, हो जाता है सेकेंड। देखिएगा यहां से 1-nitro-3-phenyl और 1-2-3-4-butane अटैच है। द आईपीएससी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, 1-nitro-3-benzene कार्बेल्डिहाइड, 3-nitro-benzene कार्बेल्डिहाइड, 3-formyl-nitro-benzene,
ऑल द अबाउट हो जाएगा सेकेंड बेटा इसमें, थ्री नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, और कार्बेल्डिहाइड इसके लिए स्पेशियल सफिक्स यूज किया जा रहा है बेटा, जो रिंग से बाहर कार्बन लिए हुए है, फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, तो उसका नेम हो जाता है थ्री नाइट्रोबेंजीन कार्बेल्डिहाइड। नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स पार्ट सेकेंड, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखिएगा पार्ट सेकेंड को आप देख सकते हैं, डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन, क्या बेंजीन रिंग से दो कार्बन पर या एक ही कार्बन से अटैचमेंट हो सकता है, दो कार्बन से अटैचमेंट हो सकता है, ठीक है। तो आप कहेंगे बेटा यहां पर बेंजीन इन विच ओनली टू हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय एल्काइल और फंक्शनल ग्रुप, बेंजीन रिंग से अब दो हाइड्रोजन रिप्लेस किए जाएंगे। आइसोमर्स ऑफ डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन, और यहां पे आइसोमर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। देखिएगा बेंजीन रिंग है आपके, फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा यहां पर, और 1-2 पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो 1-2 पॉसिबिलिटी या पोजीशन जो होती है उसको आप क्या नाम देते हैं बेटा, ऑर्थो नाम देते हैं, और ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर बेटा। नेक्स्ट 1-3 पोजीशन, 1-3 पोजीशन हो जाती है आपके मेटा, जिसे स्मॉल एम से आप रिप्रेजेंट करेंगे। 1-4 पोजीशन की फंक्शन ग्रुप 1 पे और 4 पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूट है तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, पोजीशन 1-4 को पैरा पोजीशन, स्मॉल पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कह सकते हैं बेटा 1-2 पोजीशन ऑर्थो, 1-3 पोजीशन मेटा, और 1-4 पोजीशन पैरा होती है बेंजीन रिंग में, ये डाई सब्स्टिट्यूट फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करेगा। रूल नंबर फर्स्ट, फॉर सेम सब्स्टिट्यूट या सेम सब्स्टिट्यूएंट डाई विल बी यूज एज प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर आ रहा है तो डाई यूज करते हैं प्रीफिक्स के फॉर्म में, या प्रीफिक्स से पहले प्रीफिक्स के साथ में आप डाई यूज करेंगे। जैसे यहां पे 1-2 पोजीशन पे क्या आ रहा है बेटा, क्लोरीन क्लोरीन आ रहा है, तो आपको क्या लिखना है, ऑर्थो पोजीशन है, 1-2 ऑर्थो हो गया ना, तो ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, और इसका आईपीएससी नेम हो जाता है 1-2 डाई क्लोरो बेंजीन। ऑर्थो कॉमन नेमिंग को रिप्रेजेंट करता है, और आईपीएससी में पोजीशन 1-2 होती है ऑर्थो के लिए। 1-3 नाइट्रो है तो ये हो जाएगा मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन को आप लिखते हैं 1-3 डाई नाइट्रो बेंजीन। रूल नंबर सेकेंड, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट दे कैन बी नंबर्ड एंड एंटर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आयोडीन और ब्रोमीन 1-4 पोजीशन पे अटैच है तो आप कह सकते हैं 1-2-3-4, तो इनकरेक्ट वे ऑफ नंबरिंग, इसके लिए क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नंबर देंगे आप 1-2-3, तो ये हो जाएगा करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग। बात समझ में आई बेटा, कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही नेमिंग आप, ये नंबरिंग आप स्टार्ट करते हैं। तो हो जाएगा पेरा ब्रोमो आयोडो बेंजीन, और आईपीएससी नेम हो जाएगा 1-bromo-4 आयोडो बेंजीन। ऐसे ही आप लिख सकते हैं नाइट्रो और क्लोरो में, देखिएगा नाइट्रो और क्लोरो में अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे आप, ये इनकरेक्ट ऑर्डर है क्योंकि क्लोरो से स्टार्ट होगा नंबरिंग, तो ये करेक्ट वे हो जाएगा मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। तो आप कह सकते हैं 1-chloro-3 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है बेटा। इफ वन ऑफ द टू ग्रुप्स इज गिवन स्पेशियल नेम टू द मॉलिक्यूल, द कंपाउंड इज नेम्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ द स्पेशियल कंपाउंड। देखिएगा इस तरीके से 1-2-2-chloro एनिलीन, तो ऐसे आप कॉमन नेम को भी आईपीएससी नेम में कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका नेम जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, एनिलीन। एनिलीन जो पार्ट है वो कंप्लीट एज इट आप लिख सकते हैं प्रीफिक्स के बाद में।
टू क्लोरो एनिलीन हो जाता है और ऑर्थो क्लोरो एनिलीन। रूल नंबर थ्री में देखिएगा, इफ वन ऑफ द टू ग्रुप इज गिवन स्पेशियल नेम ऑफ टू द मॉलिक्यूल, नेम डेरिवेटिव वैसे ही जैसे टोलुइन को आप देख सक पा रहे हैं, यहां पर देख पा रहे हैं थ्री नाइट्रो और कह सकते हैं टोलुइन। ओके देखिएगा किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है ये टोलुइन, टोलुइन पार्ट को टोलुइन नेम से ही रिप्रेजेंट करते हैं प्रीफिक्स के बाद में, और मेटा नाइट्रो टोलुइन। तो वन थ्री पोजिशन पे है ना सब्सटीट्यूट, तो ये मेटा पोजिशन हो जाती है। ऐसे ही ऑर्थो पोजिशन देखिएगा, ये फिनॉल हो जाएगा तो फोर ब्रोमो फिनॉल, फोर ब्रोमो और ये आ जाता है आपके फिनॉल। क्लियर बेटा, पेरा ब्रोमो फिनॉल। रूल नंबर फोर, इफ वन ऑफ द ग्रुप विच गिव्स ए स्पेशियल नेम टू द कंपाउंड इज प्रेजेंट द स्पेशियल ग्रुप इज कंसिडर्ड इन पोजिशन वन। ये देखिएगा, अब आपके जो स्पेशियल नेम है या कॉमन नेम को जहां पर कंसिडर कर रहे हैं तो वहीं से आपको नंबरिंग देनी होगी। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस, तो आप यहां पर कौन सा लेंगे बेटा, वन प्लस फाइव प्लस सिक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग पाथ हो जाता है। ठीक है, आपको नंबरिंग उस डायरेक्शन में करनी है जहां नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट मिनिमम नंबर पे आ रहा हो या लोवेस्ट लोकेटेड हो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये देखिएगा वन प्लस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स, तो मिनिमम नंबर आपको अवेलेबल होगा। इसे आप लोकेंट रूल भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं लोकेंट रूल। लोकेंट रूल में क्या होता है बेटा, नंबरिंग जिस डायरेक्शन से कर रहे हैं या जिस किसी भी डायरेक्शन से आप नंबरिंग कर रहे हैं और लोवेस्ट नंबर आपको अवेलेबल हो रहा है सब्स्टिट्यूट के पोजिशन को एड करने के बाद, तो उसे आप क्या कहते हैं बेटा लोकेंट रूल। और लोकेंट रूल हमेशा लोवेस्ट होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर आपने बात की थी अभी अभी कि 1 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो रहा था 12, ये मैक्सिमम हो रहा है लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग, बट ये मिनिमम हो रहा है यहां पर, तो ये नंबरिंग आपके करेक्ट नंबरिंग मानी जाएगी बेटा। ठीक है, लोवेस्ट कॉम्बिनेशन, लोवेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो आपके नेम हो जाएगा बेटा थ्री इथाइल, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखेंगे फिर, थ्री इथाइल टू मिथाइल एनिलीन। नेक्स्ट देखिएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हो जाएगा हाईएस्ट कॉम्बिनेशन, हाईएस्ट कॉम्बिनेशन जो गलत होता है बेटा रॉन्ग, ये वे क्या होगा रॉन्ग वे होगा नंबरिंग का, तो करेक्ट नंबरिंग क्या होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये लोवेस्ट कॉम्बिनेशन होगा कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, जहां पर लोकेंट रूल मिनिमम मिलता है वहीं करेक्ट नंबरिंग मानी जाती है। क्लियर, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी बेटा टू क्लोरो फोर नाइट्रो फिनॉल, टू क्लोरो फोर नाइट्रो फिनॉल। क्लियर, If follows lowest sum rule, lowest sum rule को आप यहां पर follow करेंगे बेटा। Rule number five, if more than two groups are attached to the direction of numbering, it should be such that it give lowest combination of numbers. इसमें देखिएगा जो नंबरिंग हो रही है वो क्या लोवेस्ट है, ये हो जाता है हाईएस्ट कॉम्बिनेशन जो रॉन्ग होगा। करेक्ट क्या होगा बेटा वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। क्लियर, यहां पर देखने को मिलता है वन टू फोर,
ये हो जाता है आपके 7, तो ये होता है लोवेस्ट कॉम्बी कॉम्बिनेशन, ठीक है, या लॉकेंट, लोवेस्ट लॉकेंट रूल को ये वाला जो पाथ है नंबरिंग का वो फॉलो करेगा। नेम हो जाएगा 1,2,4 ट्राइब्रोमो बेंजीन। इसके लिए सिक्स और ये हो जाता है 11। ये भी क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉम्बिनेशन होता है जो रॉन्ग होता है। लोएस्ट हो जाएगा आपके 1,2,3,4,5,6, तो ये लोएस्ट कॉम्बिनेशन है। तो जाएगा आपके 4-bromo-1,2-dimethylbenzene। क्लियर बेटा? अब देखिएगा ऐसे एग्जाम्पल में आपको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती है, वहां पे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन आपको लोवेस्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना होता है। जैसे यहां पर मिथेन आ रहा है, ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है और ये ब्रोमो ग्रुप आ रहा है, तो एक्चुअल में आप क्या देखते हैं बेटा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नंबरिंग, बट ऐसे केस में अल्फाबेटिकली ऑर्डर को आप प्रेफरेंस नहीं दे पाते। ओके बेटा, इसीलिए यहां पर नंबरिंग हो जाती है यहां से 1,2,3,4,5 and 6 और हो जाता है 4-bromo-1,2-dimethylbenzene। एमसीक्यूज देखिएगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। इन कंपाउंड्स में आपको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन को डिटरमाइन करना है। तो देखिएगा टोलुइन ये हो गया और 2, 4 और 6 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अवेलेबल है, तो जाता है फर्स्ट आंसर। द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन इज, एनिलीन की स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करनी है फोर ऑप्शंस में। तो देखिएगा एनिलीन की स्ट्रक्चर NH2 सेकेंड हो जाती है। थर्ड, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन आपको देखना है इसमें, तो 1,3 पोजीशन आपको सिलेक्ट करनी है मेटा के लिए बेटा, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होता है। 1,2,3 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अवेलेबल है। नेम ऑफ द कंपाउंड इज, फर्स्ट ऑप्शन है एसिटोफिनोन, सेकेंड ऑप्शन है बेंजाल्डिहाइड, थर्ड ऑप्शन है बेंजोइक एसिड और फोर्थ ऑप्शन है BnC, तो आपके हो जाएगा बेटा थर्ड ऑप्शन बेंजोइक एसिड। ओके बेटा, तो देखिएगा बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए आपने बेसिक फॉर्मेट डिस्कस किया है, ठीक है, जिसमें आपको मालूम चला है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का और उनकी नेमिंग किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक इस वीडियो को बारी बारी से देखिएगा और समझिएगा बेटा। थैंक यू।